सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हाजिर हो चुके हैं एक बार फिर से आज की ताज़ा और बड़ी खबरों को लेकर के। दोस्तों आपको बता दूं कि दो बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा पूरे विस्तार से। दोस्तों खबर क्या है आपको बता दें कि देवघर एयरपोर्ट से बेहद ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसके बारे में आपको बताऊंगा पूरे विस्तार से। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और साथ ही दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर इसी तरह की खबरें आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए एक नज़र आज की खबरों पर। दोस्तों आपको बता दें कि देवघर एयरपोर्ट से बेहद ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड का देवघर एयरपोर्ट उड़ान भरने को तैयार, कोलकाता से आई इंडिगो की हुई ट्रायल लैंडिंग। दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड का देवघर एयरपोर्ट उड़ान भरने को तैयार है। देवघर एयरपोर्ट पर मंगलवार को यानी कि आज इंडिगो 320 विमान का ट्रायल किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कोलकाता से आई 180 यात्री की क्षमता वाली इंडिगो फ्लाइट ने लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल किया। ट्रायल के दौरान प्रोविजनल स्लॉट के तहत दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु एयरपोर्ट को देवघर से कनेक्ट किया गया था। आपको बता दें कि एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद जल्द यहां से विमान सेवा शुरू हो जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि देवघर एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढिंगरा ने बताया कि पूरी तरह से ट्रायल सफल हो चुका है और साथ ही देवघर एयरपोर्ट के मैनेजर और कर्मियों की नियुक्ति भी कर ली गई है। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अप्रूवल व देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तिथि की घोषणा के साथ 10 दिन पहले एयरलाइंस कंपनियां देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी चालू कर देंगी। आपको बता दें कि श्रावणी मेला से पहले देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू कर दी गई है, इसलिए पिछले दिनों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन संजीव कुमार ने देवघर एयरपोर्ट का निरीक्षण कर पूरी तरह से संतुष्टि जताने के बाद फाइनल ट्रायल के लिए इंडिगो व स्पाइस जेट को प्रस्ताव भेजने का निर्देशक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के रीजनल डायरेक्टर को दिया था। इसके बाद ईमेल के जरिए दोनों एयरलाइंस कंपनियों को सूचित किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि देवघर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने से पहले एयरलाइंस कंपनी इंडिगो का ट्रायल सफलतापूर्वक हो गया है। अब महज कुछ दिनों में ही देवघर से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी, जो कि बेहद ही अच्छी खबर है। बहरहाल दोस्तों इस खबर को लेकर अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और साथ ही दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर है। साल के अंत तक हिंडन से कुशीनगर के लिए शुरू होगी उड़ान। दोस्तों आपको बता दें कि हिंडन एयरपोर्ट से लोग 2022 के अंत तक कुशीनगर तक की उड़ान भर सकेंगे, क्योंकि कुशीनगर उड़ान के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि हिंडन एयरपोर्ट से कुशीनगर के लिए हवाई रूट को नागरिक विमानन मंत्रालय की ओर से सहमति भी मिल चुकी है, जिसके बाद हिंडन एयरपोर्ट से कई शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू होने की प्रक्रिया चल रही है। यहां से पिथौरागढ़ के साथ ही कुशीनगर और फिर अयोध्या एवं लखनऊ के लिए उड़ान भरी जाएगी। आधिकारिक सूत्रों की माने तो पिथौरागढ़, कुशीनगर एवं अयोध्या के लिए हवाई रूट को अनुमति मिल चुकी है, इसलिए इन शहरों के लिए उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर विभिन्न एयरलाइंस कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है। जल्दी एयरलाइंस कंपनी और उड़ान का दिन तय किया जाएगा। इसके साथ ही एक साल के अंदर यहां से शिमला, पठानकोट, भटिंडा और राजस्थान के श्रीगंगानगर के लिए भी सीधी उड़ान सेवा शुरू होनी है। इनके लिए भी हवाई रूट की अनुमति लेने की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में एयरपोर्ट का निर्माण होने के तुरंत बाद यहाँ से उड़ान सेवा शुरू हो जाएगी। फिलहाल वहाँ पर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य चल रहा है। अयोध्या एयरपोर्ट को डोमेस्टिक एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा। लोग यहां से घंटे भर में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा सकेंगे। हिंडन एयरपोर्ट से अयोध्या के लिए हवाई रूट को विभाग की ओर से पहले ही अनुमति मिल चुकी है। आपको बता दें कि वर्ष 2019 से शुरू हुई हिंडन एयरपोर्ट से मौजूदा समय में कर्नाटक के हुम्बली और कलबुर्गी एयरपोर्ट के लिए उड़ान सेवा संचालित है। शुरुआत पिथौरागढ़ के लिए उड़ान सेवा से हुई थी, लेकिन कुछ महीने के बाद तकनीकी दिक्कतों के चलते उड़ान सेवा स्थायी तौर पर बंद हो गई। लेकिन हिंडन एयरपोर्ट से इस साल 18 से 24 अप्रैल के बीच 14 फ्लाइट से 601 यात्री ने सफ़र किया। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस संबंध में दिल्ली एनसीआर में दिल्ली के बाद दूसरे एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में इजाफा होने पर खुशी जताई थी। माना जा रहा है कि अगले दो वर्षों में यह व्यस्तम एयरपोर्ट में शामिल होगा। इसकी पुष्टि चार्ज लेने के बाद निदेशक अमित कांत शर्मा ने भी की है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस साल के अंत तक हिंडन एयरपोर्ट से कुशीनगर एयरपोर्ट के लिए उड़ान शुरू होने की संभावना है, जो कि कुछ हद तक अच्छी खबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और हमारे पूर्वांचल के लोग जो सऊदी, दुबई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन में काम के सिलसिले में हैं, उन लोगों का आना जाना लगा रहता है। उन लोगों को एक ही उम्मीद लगी रहती है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान तो शुरू हो गई, लेकिन कुशीनगर से खाड़ी देशों की उड़ानें कब शुरू होंगी। हालांकि दोस्तों इस बात को लेकर कुशीनगर के सांसद और विधायक भी समय समय पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहते रहते हैं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जल्द ही खाड़ी देशों की उड़ानें शुरू होंगी, लेकिन दोस्तों ये बातचीत सिर्फ अखबारों में ही छपकर रह जाती है, ज़मीन पर इसका काम कोई नज़र नहीं आता।
बाकी दोस्तों आए दिन हम लोग तो आवाज़ उठाते ही रहते हैं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खाड़ी देशों की उड़ानें जल्द से जल्द शुरू की जाएं। बहरहाल दोस्तों आप क्या सोचते हैं कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, आप अपनी कीमती राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। दोस्तों इसी प्रकार की खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही दोस्तों खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों मिलते हैं फिर से किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।